दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय हम मौजूद है आजमी नगर सेंट मैथ्यू हाई स्कूल में, जहां पर 15 से 18 वर्ष के स्कूल बच्चों को यहां पर वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है। ये कैंप आज सैटरडे और संडे दो दिन यहां पर कैंप रहेगा। यहां पर लगभग जो टारगेट है 300 बच्चों को यहां पर वैक्सीन लगाया जाएगा। मैं कैमरामैन जैदी के साथ जिशान आजमी, खबर फेस टू फेस मुंबई। आपका नाम क्या, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 10th स्टैंडर्ड। आपका पहला वैक्सीन है क्या, दूसरा है? पहला है। अच्छा, आपका नाम? रेहान। कौन से स्कूल से? ये स्कूल से। सब एक ही स्कूल के क्या, अलग अलग स्कूल के? अलग अलग स्कूल के। अच्छा, आयुष। हाँ, आयुष। कौन से स्कूल से? ये स्कूल से। कौन सा स्टैंडर्ड? 9th। अच्छा, आपका पहला वैक्सीन? पहला ही है ना? मेरी लड़की है। आपकी लड़की है, कौन से स्टैंडर्ड में? नाइन्थ में। पहला डोज, दूसरा डोज? नहीं, पहला। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पर जो बच्चे लोग आए पहला डोज है उनका। और टोटल हो गया वैक्सीनेशन कितने लोगों का हो गया? हुआ तो है ज़्यादा, लेकिन अभी बता नहीं सकते, बहुत हो गया। काफ़ी लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। टारगेट जो है वो 300 तक का टारगेट है यहाँ पर रखा गया है कि आज 300 को लगेगा। और ये कैंप कल भी होगा, संडे को भी किया जाएगा। ये आजमी नगर सेंट मैथ्यू इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, यहाँ पर दो दिन का लसीकरण कैंप रखा गया है। आपका नाम बताइए और आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? मेरा नाम गौण विद्या है, मैं 10th कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं सेंट मैथ्यूज हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। ये हमारे स्कूल में COVID-19 का मुफ्त टीकाकरण का कैंप लगा है। मुझे अपनी मैडम को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना है कि हमें सारी सुविधा स्कूल में ही मिलती है, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी मैडम हमें पूरा सपोर्ट करती है। हमने गली गली में जाके अवेयरनेस भी किया कि ये सुई अच्छा है, हमें लगा लेना चाहिए। तो मैं मैडम का बहुत अच्छे से धन्यवाद देती हूँ कि उनके वजह से हम लोगों को ज़्यादा दूर ना जाकर ये सुविधा का आनंद मिल रहा है। ये आपका पहला डोज था क्या दूसरा? ये मेरा पहला डोज था, मैंने अभी पहला डोज लिया। आप क्या जानते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन लगाने पर? ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे पूरे देश में छाया हुआ है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है जैसे कि हमारा वैक्सीनेशन। तो इसे हमें लेना बहुत ही ज़रूरत है। तो मैडम हमारे कितना अच्छा करे कि यहाँ के एरिया जहाँ यहाँ के लोग जो दूर नहीं जा पा रहे तो यहीं पर आके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारी मैडम ने यहाँ पर हर एक मतलब जब भी कोई भी चीज़ का होता है तो हमारी मैडम सबसे आगे खड़ी रहती है। इतना सारा वैक्सीनेशन का नॉलेज आपके पास कहाँ से? हमें अवेयर किया जाता है, हमारी मैडम, हमारे टीचर्स, हमारे सारे मीन्स टीचर्स हमें अवेयर करते हैं कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लसीकरण कैंप रखा गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? लसीकरण कैंप आज चालू है जो सेकेंडरी बच्चे लोगों के लिए, मतलब 15 एज ग्रुप के लिए चालू है। ये अमेरिकेयर कंपनी जो संस्था है उन लोगों के थ्रू ये कैंप लगाया हुआ है। तो आई एम थैंकिंग वेरी मच टू अमेरिकेयर जो ट्रस्ट डन इन आवर स्कूल। तो कैसा बोले तो बिफोर 4000 पब्लिक को हम लोग को वैक्सीनेट करने के लिए मौका मिल गया। तो अभी बच्चों के लिए भी एक मुहिम चालू हो गया। और जो फर्स्ट जो कैंप जो किया हम लोग ने, जो 4000 लोगों को वैक्सीनेशन दिया, वो मतलब कोविशील्ड। तो उसके कितना दिन रहेगा? ये आज और कल रहेगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट वीक में वापस जो फर्स्ट जो सेक्शन हुआ था, जो फर्स्ट कैंप हुआ था, तो जो पब्लिक के लिए जो कोविशील्ड वो भी चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो आप लोगों को सबको मिल के ये वो वायरस को हटाना। अभी देखो मैं भी डबल वैक्सीनेट हो गया, हमारा पूरी टीम डबल वैक्सीनेट हो गया, इसके लिए हम लोग आज इधर जिंदा है, नहीं तो हमारा भी गारंटी नहीं होता। तो ऐसे बच्चे लोग को हम लोग काउंसलिंग किया, उन लोग अच्छे इम्यूनिटी बनाया, खाना पीना हम लोग नाश्ता वगैरह सब बच्चों को दिया।
और उसके बाद में अभी ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने।